से डरो, एग्जाम से, समझ में आ गया? हमसे नहीं डरने की जरूरत है, थोड़ा एग्जाम में डर रहेगा ना तो पढ़ाई भी करते रहोगे आप। सब लोग 1800 कब्जा कर लो उसमें। और अगर किसी को लगता है आरक्षण खराब है या आरक्षण से किसी को लाभ मिलता है तो अपनी जाति उसको दे दे और उसका आरक्षण ले ले। आप अगर किसी बोगी से चैन पुलिंग करेंगे ट्रेन रुक जाएगा, उसी तरह ना मुख्यमंत्री एक राज्य का इंजन होता है और जो हम लोग होते हैं उसकी बोगी होते हैं। जिनको आरक्षण मिल रहा है वो भी कितने सताए हैं लोग, इस चीज़ से तो आप नहीं नकार सकते ना। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े एग्जामिनेशन हॉल में दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल के एमडी खान सर हमारे साथ हैं। सर, एएन कॉलेज और बीएन कॉलेज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हॉल भी आप बुक कर दिए। ये बच्चों के लिए ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल को, ताकि वो बच्चे क्या हो सके वहाँ पर और इनकी तैयारी बेहतर हो सके। यहाँ पर अलग अलग पूरे फ्लोर हैं यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ बच्चों की, ताकि बेहतर पढ़ाई हो सके, उनकी बेहतर सुविधा दिया जा सके यहाँ पर। इनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आता है सब एग्ज़ाम लेने के बाद, जो सब्जेक्ट उनका कमज़ोर होता है उसमें वर्क ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम हम लोग 1 लाख और बच्चों का लेंगे, जिसमें 1 लाख बच्चे पार्टिसिपेट होंगे और उन बच्चों को जो एकदम ओरिजिनल एग्ज़ाम वाली प्रेशर रहती है वो फील कराना। क्योंकि जितने बच्चे होंगे वो, आप गौर कीजिएगा, आप लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है ना, आता हुआ 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए उनको ये मैनेज करना है कि एक बेहतर वर्ल्ड लेवल का एग्जाम सेंटर हम लोग दें फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट सर, देखिए मतलब कि और भी जो दूसरे यदि कोई टीचर होते तो वो जो है चार्ज किए होते, आपने कितना चार्ज किया है बच्चों से? 1 रुपया चार्ज नहीं किया। आप लोग बैठे रहिए अपने अपने जगह पर, कोई अपने सीट से नहीं उठेगा। आपने 1 रुपया चार्ज नहीं किया? नहीं, कोई चार्जेस आप लोग में किसी का चार्ज तो नहीं लगा है ना? आप लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाए, रेडी हैं? अब कुछ देर में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ऐसे ही ओरिजिनल एग्जाम में भी होगा, आप लोगों को एंट्री मिलेगी पहले और थोड़ा सा थका दिया जाएगा तब आप आए यहाँ पे। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी रेडी रहिएगा। 1 लाख के बीच में, यहाँ तो अभी थोड़ा कम ही है, नेक्स्ट एग्जाम में कितना? 1 लाख। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों? हाई चलो तब जी, तैयारी कैसी है? हाँ, डर नहीं रहे ना? घबराहट हो रहा है यहाँ पर सर। सब बच्चे बोल रहे हैं खान सर के स्टूडेंट तो डरेंगे काहे? नहीं सर, एग्जाम से डरो, एग्जाम से, समझ में आ गया? हमसे नहीं डरने की जरूरत है, थोड़ा एग्जाम में डर रहेगा ना तो पढ़ाई भी करते रहोगे आप। 2000 का वैकेंसी आने वाला है फिर बीपीएससी इस बार, लगभग 1900 से तो ज्यादा फाइनल हो गया है, 2000 के लमसम में सीट रहेगी। आप सब लोग 1800 कब्जा कर लो उसमें, ठीक है? 1964 के आसपास आएगा। तो मात्र 2% सरकारी नौकरी मिलते हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि उसमें से 90-95% आप ही कब्जा करवा लीजिएगा। नहीं, ये बच्चों का है यहाँ पर, ये बच्चे जो भी हैं यहाँ पर अच्छा ऑनलाइन से। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जो ड्यूटी करने वाले लोग ऑफलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन है ना सुविधा, ऑनलाइन का भरपूर लाभ उठाइए, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो आप ऑनलाइन का सबसे अच्छा फायदा आप जैसे लोगों को है जो वर्किंग भी हैं और उसके लिए भी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सर, बिहार में इतना सरकारी नौकरी का होड़ का है? बिहार में दूसरा चीज करेंगे क्या? चीज पूंजी है इसके पास ही, बताइए, किसी के पास जमीन है, पूंजी है, कुछ रहे तब तो बिजनेस करेगा। खाली कह देने से बिजनेस थोड़ी हो जाता है, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए होता है। यहाँ लोग गरीब फैमिली से आते हैं, उनके पास कितना ही पूंजी रह जाता है, इसलिए इनके पास यही एक सस्ता विकल्प बचता है। ताकि अभी 2% ही तो जॉब है पूरी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर। हाँ सर, बहुत सारे लोग जो है जातिगत आरक्षण का मार झेल रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये सब चीज़ें ना पढ़ाई में बाधा नहीं आती है, ये सब चीज़ों पर अगर विद्यार्थी ज़्यादा ही सब चीज़ों में उलझेगा ना तो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें है, तो मतलब आजकल का विद्यार्थी को कोशिश करना चाहिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे। अरे भैया, आरक्षण से क्या है कि जब तक है आप लोग के पास, उनके पास आरक्षण में भी क्या है, आप समझिए, जिनको आरक्षण मिल रहा है वो भी कितने सताए हैं लोग, इस चीज़ से तो आप नहीं नकार सकते ना। आरक्षण लोग सताए हैं, जो आरक्षण जिन्हें मिल रहा है उन्हें समाज कितना सताया है, आप इससे भी तो एक बार एक्सेप्ट कीजिए। आज के डेट में भी उन बेचारों को, अगर कोई छोटी जाति का आदमी है, अगर दूल्हा बनता है घोड़े पर बैठ जाता है, तो आप पत्रकार हैं, आप लोग के सामने तो इसी दिखने में उन्हें घोड़े से उतार दिया जाता है। और अगर किसी को लगता है आरक्षण खराब है या आरक्षण से किसी को लाभ मिलता है तो अपनी जाति उसको दे दे और उसका आरक्षण ले ले, फिर समझ में आ जाएगा किसको प्रॉफिट है। सवाल करें कि सर, आरक्षण जातिगत आधार पे होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए? इकोनॉमिक बेसिस पे हुआ तो था EWS वाला, देखिए कितना IAS PCS लोग फर्जी निकला है लोग, तो इकोनॉमिकल बेस पर फर्जी वाला ज्यादा आसान है, जातिगत आधार पर फर्जी वाला करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें पूरा आपको खानदान चेंज करना पड़ेगा। अभी देखें, एक तो IAS बन गई, टॉप कर रही है यहाँ पे, तो 1 साल हुआ आरक्षण फाइनेंशियल आधार पर देने का, जो आपका मांग है।
ठीक है, होना चाहिए फाइनेंशियल आधार पर, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए मिसयूज होना लगा कि नहीं। अभी एक तो कोई महाराष्ट्र की कहाँ की पूजा है, क्या नाम करके आईएस थी, हेगड़े करके पूजा खेम इस टाइप का, एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो वो सभी तो होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये परीक्षा का बात है, परीक्षा से रिलेटेड रखा जाए, अब आरक्षण वगैरह ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पे हमसे आपसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, ये जो इतना प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा बच्चों को आप जो फ्री में एग्जामिनेशन दिलवा रहे हैं? फ्री में क्या है कि ये बच्चे जब फ्री, इतने कम फी में इतनी बेहतर सुविधा देखेंगे, तो ये जब अपने फील्ड में जाएंगे तो समाज को भी बहुत बेहतर करके देंगे, उनके अंदर भी वो लूटने वाली फीलिंग नहीं रहेगी। ये लूटने वाली फीलिंग कहाँ से आती है, बिजनेस कोचिंग जहाँ वो देखे रहते हैं हमसे इतना लूटा, वैसे उनको भी लगता है कि हम भी अधिकारी बन के लूटेंगे, तो ये अधिकारी नहीं, ईमानदार अधिकारी बनेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आप यदा कदा ही मिलते हैं हम लोग को, सर आप चूंकि बिहार को बदलने निकले हैं, तो बात थोड़ा ये करेंगे कि अभी मतलब बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को बदलने में कौन हो सकते हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर प्रशांत किशोर? देखिए जब तक समाज नहीं बदलेगा ना, एक सरकार चाहेगी तो देश राज्य को नहीं बदल पाती है। देखिए सती प्रथा जैसी चीज थी, कितनी खराब थी, समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया, तो क्या करिएगा आप? अब जैसे दहेज प्रथा है, बिहार की एक अभिशाप है, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री बदल देंगे तो दहेज प्रथा बदल जाएगा? हमें और आपको बदलने की जरूरत है। जब समाज बदलेगा ना तो ये लोग लीडर है। एक बात बताइए, ट्रेन का इंजन चाहे कितना ताकतवर लगा दीजिए, आप अगर किसी बोगी से चैन पुलिंग करेंगे ट्रेन रुक जाएगा, उसी तरह ना मुख्यमंत्री एक राज्य का इंजन होता है, और जो हम लोग होते हैं उसकी बॉगी होते हैं, हम ही लोग चैन पुलिंग कर देंगे, लूट लेंगे, किसी का घर खुला है तो चोरी कर लेंगे, शराब बंदी है तो खुद से भी तो सोचना चाहिए भैया शराब गलत है, शराब पी लेंगे, इधर उधर करेंगे, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये एक बहुत सस्ता जुगाड़ है कि सारा जिम्मेदारी राज्य में है तो मुख्यमंत्री को फेंक दो और केंद्र में है तो प्रधानमंत्री को फेंक दो। सवाल से सर आप बच रहे हैं, सवाल सर मुख्यमंत्री कौन सा बेहतर का, बेहतर की बात उसकी नहीं है, किस लिए बेहतर चाहते हैं? समाज के लिए, समाज बदलेंगे उसी हिसाब से बदलेगा। तो सबसे जरूरी क्या होता है कि हम सब कैसे बदले, एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होता है अच्छे से पढ़ाई करे, एक शिक्षक का काम होता है कम फी में बेहतर पढ़ाए, ये हर डिपार्टमेंट सुधर जाए तो कितना बेहतर हो जाएगा। अब आप पत्रकार हैं, आपकी चीजें जहां हमारी गलती है आप हमें बताएं, जहां सरकार की गलती है वहां बताएं, ठीक है। बाकी शिक्षक जो होते हैं लोग उठता है सर कि आप गोरा काला का भेद करते हैं, नहीं भेद के साथ आप ज्यादा खड़ा रहते हैं और लड़कियों का जो ज्यादा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे, हंसी मजाक को हंसी मजाक की तरह समझिए आप लोग भी, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कोई शेर आपका बहुत सारा वायरल होता है अभी, थोड़ा सा परीक्षा, अभी थोड़ा सा परीक्षा का माहौल है, तो थोड़ा हम लोग भी इंटेंस माहौल में है यहाँ पे, ठीक है। फिर कभी हम लोग मिलेंगे, ठीक है।